Hi guys, welcome to Insights with Adarsh once again, and we are back with one of the very interesting topics for class 8 CBSE, and today we'll be learning about class 8 chapter 12, that is friction. We are going to learn about basics of friction. हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन का बेसिक क्या होता है एंड विल जस्ट इंट्रोड्यूस लाइक सम पार्ट ऑफ द फ्रिक्शन द बेसिक्स द डायरेक्शन विल बी लर्निंग A part of the chapter, and I guess this chapter will be covered in 3 sessions. ठीक है, so 3 session में ये chapter cover होगा. पहले में हम basics पढ़ेंगे, directions पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ कि frictional force का originate कहाँ से होता है, causes क्या होते हैं, हम ये चीजें भी पढ़ेंगे. Guys, once again, welcome to Insights with Adarsh. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है and keep supporting us, keep watching, stay connected. So let's start. देखते हैं कि आज के session में क्या क्या है. Yes, we'll be learning about introduction to friction. So by introduction, I mean हम पढ़ेंगे friction के basics, that means causes, आता कैसे है, originate कैसे होता है. And then we'll be learning about direction, and finally we'll see some real life examples. कि friction का use कैसे होता है, how it can be beneficial, or how it can be dangerous to us. Like कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे लिए अच्छा भी होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे लिए खराब भी होता है. So we'll see all of that in today's session, guys. So let's start and let's move on to our first thing. Here, this is a guy. His name is Adesh. All right. So ये बंदा है, इसका नाम है Adesh, and he was moving on a road. वो रोड पे जा रहा था, रास्ते में क्या मिला उसे, रास्ते में मिला केले का छिलका. राइट गाइस, सो केले का छिलका जब मिला तो आपके दिमाग में क्या है, क्या होगा? एग्जैक्टली वही जो उसके साथ हुआ. आपको भी यही लगता होगा ना कि अगर मेरा पैर उस पे पड़ गया तो मैं फिसल के गिर जाऊंगा. एंड एग्जैक्टली दैट इज वॉट हैज हैपेंड विद हिम. ही जस्ट फेल ऑफ आफ्टर लाइक लैंडिंग ऑन दैट पील, बनाना पील. सो ही जस्ट फेल ऑफ. राइट, Now, why did that happen? इसके पीछे reason क्या है? Do you know, guys? What was the reason? Why did that just happen? So, if you guys know, pause the video, go to comment box right now and give me your answers. Let me see, आपने पहले से कितना पढ़ा है, आपको आता कितना है? Okay? Now, one similar example. आपको पता है कि आप जब कार में ब्रेक्स लगाते हो तो कार रुक जाती है. But क्या जस्ट वो ब्रेक लगाने की वजह से रुकती है? या उसके पीछे की फिजिक्स क्या है? तो अगर आपको पता है कि उसके पीछे की फिजिक्स क्या है, ब्रेक लगाने पे गाड़ी रुकती क्यों है, देन वंस अगेन गो टू कमेंट बॉक्स एंड लेट मी सी कि आपको कितना आता है, आपको कितना फिजिक्स की नॉलेज है. एंड आई विल बी मेंशनिंग द बेस्ट कमेंट्स इन माय नेक्स्ट वीडियो, बोथ द एक्सप्लेनर्स इन द नेक्स्ट वीडियो. आई विल बी गिविंग वर्दी मेंशंस टू ऑल ऑफ द गाइस हु गिव मी करेक्ट आंसर्स. ओके, नाउ This is a very similar incident that happened to me. एक बार मैं कहाँ गया था, मैं मनाली पे गया हुआ था, and मनाली में there is a pass, रोहतांग पास. वहां पे क्या है, वहां पे बर्फ होती है बहुत सारी. So I went there and I slipped on the ice just like that. I slipped for 2 or 3 meters and luckily I was not injured, but it was kind of very embarrassing moment. But it happens. So Again guys, you have to think कि क्यों हुआ. I'm not saying this time go to the comment box. Just think, you will relate how this works in physics. ठीक है, now let's move on and let me give you explanation. I hope you guys have written your answers in the comment box. Now let me give you an explanation. Here, look at this. This is a banana peel, right? It is having a slippery surface. इसका जो surface है slippery है. तो जब ये देखो इसने पैर रखा यहाँ पे, तो इसने आगे को force लगाया, ठीक है? But ये इतना slippery था कि इसने actually पीछे को ऐसे force लगाने की बजाय बहुत ही
कम फोर्स लगाया कंपेयर टू आगे का फोर्स। तो क्या हुआ, इधर से फोर्स ज्यादा है, इधर से वापस में जो है बहुत ही कम फोर्स है बैकवर्ड्स में। तो इतना कम फोर्स था कि ये जो बंदा था आदेश, ये क्या हुआ, ये पलट के गिर गया। नाउ कमिंग टू द अदर वन, अभी देखो यहां पे क्या हुआ था, बनाना पील की वजह से फ्रिक्शन बहुत ही रिड्यूस हो गया था। अगर प्रॉपर फ्रिक्शन होता, प्रॉपर बैकवर्ड फोर्स लगती तो फिसलता नहीं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे ही ब्रेक लगाओगे, तो मान लो ये आपका टायर है, ठीक है, तो आपने जैसे ही ब्रेक लगाई तो यहां पे क्या होता है, कुछ चीजें होती हैं जो कि टायर से वापस से ऐसे कनेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, टायर काइंड ऑफ जाम हो जाता है, ठीक है। अब जब टायर जाम होता है तो इसका आगे का मोशन ना बहुत रिस्ट्रिक्ट होता है। तो आगे का मोशन जब रिस्ट्रिक्ट होता है और पीछे कौन सी फोर्स लगती है उसपे, क्योंकि एक बार जाम हो गया, अब टायर क्या हुआ, अब टायर घूमेगा नहीं, अब टायर करता है स्लाइड। अब स्लाइड जब करता है तो इसका पूरा मोशन किधर को हो गया, आगे को टायर का। तो ये जो जिस सरफेस से कांटेक्ट में रहता है, तो इस सरफेस पे यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगती है। तो उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या होता है, आपकी बाइक, आपकी कार, ये सब चीजें धीरे धीरे आराम से क्या होती है, रेस्ट पे आ जाती है। अगर आप एकदम से ब्रेक लगा दोगे, यू मस्ट हैव सीन, तो एकदम से ब्रेक लगाओगे तो जल्दी से रेस्ट में आती है, बट एक आवाज भी आती है चीं करके, राइट। तो आवाज क्यों आती है, क्योंकि वहां पे एनर्जी लॉस होता है, एंड एनर्जी लॉस जो होता है वो साउंड एनर्जी की फॉर्म में होता है। सो गाइज, आई होप आपको ये वाले एक्सप्लेनेशन समझ आए होंगे। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, एंड द वन दैट मनाली वाला वेकेशन, उसमें बेसिकली क्या हुआ है, उसमें जो आइस होती है तो आइस का फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है। अब फ्रिक्शन कम होता है, आपके जूते जो होते हैं वो क्या होते हैं, उस पर ग्रिप नहीं बना सकते, क्योंकि फ्रिक्शन वहां पे कम है और ग्रिप भी बहुत ही हल्की है, तो फिसलने के बहुत ही चांस रहते हैं, क्योंकि बैकवर्ड कोई फोर्स नहीं है, जो भी फोर्स लगेगा वो फॉरवर्ड लगता है। तो एक बार अगर आप फिसल गए तो आइस पे ही हो, अगर आप तो फिसलते ही रहोगे, अनलेस एंड अनटिल आपको नेसेसरी फोर्स नहीं मिल जाता रुकने के लिए, ठीक है गाइस। So that was the explanation for that one. तो इन तीनों का आंसर क्या है, they are happening because of friction. इन दो cases इसमें क्या है, यहाँ पे friction कम है इसलिए फिसल गया, यहाँ पे frictional force ज्यादा लगती है इसलिए यहाँ पे गाड़ी rest position में आ जाती है, and the Manali वाला part one उसमें इसलिए क्योंकि ice का friction बहुत ही कम होता है, तो वहां पे frictional force बहुत ही कम लगती है, and that is why जब भी आप देखो तो वहां पे ना क्या करते हैं, जो बूट्स होते हैं, तो बूट्स में नुकीली नुकीली चीजें होती है, तो वो क्या आइस को होल्ड करने में मदद करती है, जिसमें हमें प्रॉपर फोर्स मिले और हम फिसले नहीं, ठीक है। सो दैट वाज द बेसिक्स ऑफ फ्रिक्शन, कि आपने रियल लाइफ में फ्रिक्शन को कहां पे देखा है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ये एक्चुअली आए कहां से फ्रिक्शंस, ठीक है। तो This is the ice skating that we were talking about. ये ice skating आपने देखा होगा कि इससे बहुत हल्का सा push करते हैं और उस हल्के से push में ये बहुत ही दूर तक जाता है, right? तो इतनी दूर तक जाता है because क्योंकि ice का friction बहुत कम है. That is why it goes to a long way. उसको resistant force ही नहीं मिल रहा. अगर पीछे से कोई चीज oppose करेगी तब तो वो रुके भी, but अगर पीछे से कोई उसे रोक ही नहीं रहा तब तो वो आगे ही जाएगा ना guys. तो जहां तक वो जाता है वहां, मतलब काफी दूर तक चला जाता है, अनलेस एंड अंटिल एक बैकवर्ड फोर्स उसको रोके नहीं। नाउ लेट्स सी कि ये जो फ्रिक्शन है इसके लॉज ओरिजिनेट कब हुए, क्या हुआ था, स्टार्टिंग कहां से हुई फ्रिक्शन की। सो द क्लासिक लॉज ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन वर डिस्कवर्ड बाय लियोनार्डो डा विंसी इन 1943। तो 1943 में सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी फ्रिक्शन की वो लियोनार्डो डा विंसी ने करी थी, बट 1943 वाज लाइक बहुत ही पहले की बात है, तब ये सब चीजें उतनी ड्राफ्ट नहीं हुई, इनको ना मैनुअल्स में लिखा नहीं गया। तब क्या हुआ, ये चीजें धीरे धीरे लोग के उससे मतलब दिमाग से निकल गई, आप ऐसे कह सकते हो। तो पर उनको ये रियलाइज नहीं हुआ ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है। बाद में क्या हुआ, 1699 में एक बंदा था गुलियामे एमटोनोस एमोंटोन्स, तो उसने इसको फिर से इन्वेंट करा।
नॉट इन्वेंट, इसको लॉज को फिर से लिखा, फिर से डिस्कवर किया, एंड देन उसने क्या दिया, फाइनल उसने जो दिया था एमोंटोन्स 3 लॉज ऑफ ड्राई फ्रिक्शन। तो ये क्या था, ये इस बार प्रॉपर ड्राफ्टेड लॉज थे, इस बार बुक्स में लिखे गए थे, सो दैट इंफॉर्मेशन लूज ना हो, एंड इनको हम बाद में आगे तक हम पढ़ते रहे हैं, देखें कि इनका यूज कैसे होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट डिस्कवरी ऑफ फ्रिक्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड सी व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट। यस, तो आप ऐसे देखो, अभी ये कोई एक मान लो वेज रखी हुई है, वेज मतलब कोई कुछ भी एक सरफेस है मान लो, ठीक है, इस सरफेस पे ये डब्बा है। अब आप क्या कर रहे हो, इस डब्बे को आगे पुश करने की कोशिश कर रहे हो, मान लो यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ से ऐसे इसको धक्का दे रहे हो, तो आगे को फोर्स लगा रहे हो, तो ये जो डब्बा है ये आगे जाने से पहले ना थोड़ा सा आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपने रियलाइज करो, पहले फंसता है वो थोड़ी देर। तो जब फंसता है, फंसता क्यों है, व्हाट इज द रीजन, क्योंकि इन दोनों सरफेस के बीच में इररेगुलरिटीज होती हैं। अब यू विल से कि इररेगुलरिटीज क्या होती हैं सर, तो इररेगुलरिटीज का मतलब होता है इररेगुलरिटीज बिटवीन सरफेसेस कॉजेस फ्रिक्शन। तो जैसे क्या है, ये वाला एक सरफेस है, ये दूसरा डब्बे वाला सरफेस है, अब इन दोनों के बीच में ना सरफेस जो होता है वो प्रॉपरली स्मूथ नहीं होता, कोई भी सरफेस प्रॉपरली स्मूथ नहीं होता है, जो सबसे ज्यादा स्मूथ सरफेस है दैट इज ग्लास, बट इसमें भी कुछ ना कुछ हद तक फ्रिक्शन होता है, ठीक है, वो भी प्रॉपरली स्मूथ नहीं होता। तो ये जो सरफेस है इस पे ना इररेगुलरिटीज होती हैं, तो वो इररेगुलरिटीज क्या होती हैं, आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं, ठीक है। अब इंटरलॉक जो होती हैं उसको ब्रेक करने के लिए जो हमें फोर्स चाहिए होता है, तो ये जो इंटरलॉक है, जब तक तुम इसको ब्रेक नहीं करोगे तब तक ये वाला ऊपर वाला डब्बा आपका आगे नहीं बढ़ेगा। तो अगर आप इसे ब्रेक करने के लिए जो फोर्स लगाते हो और उससे जब ब्रेक होगा तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। तो रूट कॉज क्या होता है, सरफेसेस के बीच की जो इररेगुलरिटीज होती है वो आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं एंड दे कॉज फ्रिक्शन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड सी व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट। यस, अब फ्रिक्शन का एक बेसिक एग्जांपल, आप अपने हाथ ऐसे करो और इसको थोड़ी देर तक ऐसे ऐसे करते रहो, यू विल फील कि थोड़ा सा तो मेहनत लग रही है, एंड थोड़ी सी मेहनत के बाद क्या होगा, आपके हाथ में ना हल्की हल्की हीट फील होगी, गरम गरम सा लगेगा। तो अब गरम गरम क्यों लगता है, पहली बात तो फ्रिक्शन है इसलिए थोड़ी सी मेहनत लग रही है। अब उस फ्रिक्शन में जब आप सरफेस बार बार रब कर रहे हो तो क्या हो रहा है, जो भी एनर्जी हो रही है वो हीट एनर्जी की फॉर्म में यूटिलाइज हो रही है, या हीट एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकल रही है। तो उसी वजह से आपको हाथ में गरम गरम फील होता है, क्योंकि आपके जो स्किन है दैट इज सेंसरी ऑर्गन, तो जो सेंसरी ऑर्गन है वो हीट को फील कर लेता है, दैट इज व्हाई यू फील अ सेंसेशन ऑफ हीट। सेम एग्जांपल आप, मैंने कार वाला आपको समझाया था, वहां पे जब आप एकदम से लगाते हो तो टायर्स ना स्क्रीच करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे एनर्जी साउंड एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होती है, यहाँ पे एनर्जी हीट एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हो रही है, दैट इज व्हाई यू आर फीलिंग हीट सेंसेशन, ठीक है। अब देखो फ्रिक्शन का डायरेक्शन समझने के लिए आप ना अपना हाथ लो किसी भी सरफेस पे ऐसे रखो, ठीक है, और उस सरफेस से लगा के आगे पुश करने की कोशिश करो। तो जब आप ऐसे सरफेस पे रख के आगे पुश करने की कोशिश करोगे देन यू विल फील कि कुछ तो है जो कि उसको रोक रहा है आगे से जाने को। तो आपकी ये जो स्किन सरफेस होगी ये ना आपको हल्का हल्का फील होगा कि ये पीछे को पुल हो रहा है, तो पीछे को पुल हो रहा है, राइट। तो फ्रिक्शन बेसिकली क्या करता है, हमेशा मोशन को अपोज करेगा। फ्रिक्शन अगर आप आगे जाना चाहते हो तो वो कोशिश करेगा कि आगे ना जाने, और अगर आप पीछे जाना चाहते हो तो वो कोशिश करेगा पीछे ना जाने दे, ठीक है। तो नहीं कैसे जाने देगा, हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। अगर आप आगे जा रहे हो तो फ्रिक्शन पीछे को लगेगा, और अगर आप पीछे जा रहे हो तो फ्रिक्शन आपको आगे को ले जाना चाहेगा, ठीक है। So that is how friction works, the direction of friction, ठीक है। ये देखो, अगर motion आपका इस box का इस direction में है तो friction यहाँ पे किस direction में होगा, backwards direction में, ठीक है। तो friction हमेशा क्या करता है, relative motion को oppose करता है। relative motion का मतलब same thing, अगर आप आगे जाना चाहते हो तो वो आपको पीछे ले जाना चाहेगा, और अगर आप पीछे जाना चाह रहे हो तो वो आपको आगे ले जाना चाहेगा, एंड दैट इज हाउ फ्रिक्शन वर्क्स। फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ठीक है।
ये याद रखना, दिस इज वेरी नेसेसरी, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ये आपको पता होना चाहिए. नाउ व्हाई डू वी कॉल द फ्रिक्शन एज द नेसेसरी एविल, राइट? इसको हम एविल भी कहते हैं, डेविल भी कहते हैं. इट इज बिकॉज ये एक तो रेस्ट्रेंट फोर्स होती है. रेस्ट्रेंट मतलब हमको कुछ चीजें करने से रोकती है, बट स्टिल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ. अगर ये नहीं होगी तो लेट्स से अगर आपने पैर रखा तो आप गिर जाओगे. कोई भी चीज चल रही है तो वो चलती रहेगी, उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन चाहिए. तो उसको आप रोकोगे कैसे? या तो ऐसे रोक लो हाथ से, या किसी और चीज से रोक लो, बट वो नॉर्मल ब्रेक व्रेक से आप नहीं रोक सकते, ठीक है? तो फ्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ. जैसे हमें चलने के लिए फ्रिक्शन चाहिए होता है, वी नीड फ्रिक्शन फॉर वॉकिंग. आपने देखा होगा ये जो जूते हैं, अब जूतों के देखो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लगता है इन कॉन्टेक्ट सरफेस पे, ठीक है? ये क्या है? ये आप फोर्स लगा रहे हो. आप नीचे को फोर्स लगाओगे तो वापस आपके ऊपर फोर्स लगेगी, दैट इज नॉर्मल फोर्स. तो फ्रिक्शन ऑल्सो हेल्प्स अस इन वॉकिंग. आपने ध्यान दिया हो तो ज्यादा दिन चलते हैं तो हमारे जूते या चप्पले घिस जाते हैं. एंड व्हाई डज दैट हैपन? दैट हैपेंस बिकॉज दोनों सरफेस, आपके पैर या आपके चप्पले और जमीन, दोनों सरफेसेस के बीच में कॉन्टेक्ट रहता है परमानेंट. और फ्रिक्शन की वजह से धीरे धीरे जो सरफेस होता है वो रब होते होते क्या होता है, डिग्रेड हो जाता है. तो इसीलिए चप्पले क्या होती है, धीरे धीरे वो जो है घिस जाती है, ठीक है? नाउ वन मोर एग्जाम्पल, वेरी कॉमन एग्जाम्पल. इवन आई हैव अ मैच स्टिक विद मी, मैं साथ में लेके बैठा था आप लोग को समझाने के लिए. तो आप देखो, दिस इज अ मैच, दिस इज अ स्टिक. अभी क्या है, मैंने ऐसे करा, देखो जल गई, राइट? तो अब ये क्यों जली? जब देखो, जब इस मैच स्टिक को मैंने इस पे ऐसे रब किया, तो मैंने आपको क्या बताया, जब आप लोग हाथ ऐसे ऐसे रब कर रहे थे तो हाथ रब करने से कौन सा सेंसेशन आ रहा था, हीट का, राइट? तो अब हीट का जो सेंसेशन है, जब आपने इसको ऐसे स्ट्राइक किया इस पे, तो दो सरफेस जब ये देखो कॉन्टेक्ट में आएंगे ऐसे, तो यहाँ पे क्या होगा, हल्की सी हीट एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है? अब वो हीट एनर्जी क्या होती है, ये जो यहाँ पे होता है, ये आई गेस फॉस्फोरस होता है. तो इस फॉस्फोरस को क्या करती है, हीट एनर्जी जल्दी से इग्नाइट कर देती है. इग्नाइट का मतलब इसमें आग लगा देती है. तो जैसे ही आग लगती है, हल्की सी भी उसमें लगी तो पूरा का पूरा एक साथ बर्न हो जाता है. तो उसके बर्न होने की वजह से क्या होता है, फायर प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, फ्लेम, ठीक है? अब उसके बाद इन्होंने क्या करा, लकड़ी लगा दी, तो वो फ्रेम लकड़ी पे आ जाएगा और लकड़ी जो है वो अच्छे से जलती है आग में, अगर सूखी लकड़ी हो. दैट इज हाउ मैचस्टिक वर्क, दे ऑल्सो यूज फ्रिक्शन. नाउ वन लास्ट एग्जाम्पल, जैसा मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन इज समटाइम्स हेल्पफुल एज वेल. जैसे आपको वॉक करने में है, जैसे आपको माचिस जलाने में है, एंड नाउ स्केटिंग. इन स्केटिंग का भी एक एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ. राइट नाउ आई हैव समथिंग विच आई विल शो यू. ये देखो मैं लेके बैठा हूँ आपके लिए, ये जो है देखो, ये जो इसके टायर्स है, ठीक है? तो मान लो ये सरफेस है अभी, ठीक है? तो जब आप आगे जाना चाहोगे, रिलेटिव मोशन यहाँ पे समझना है, तो जब आप आगे जाना चाहोगे ऐसे, तो इस पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है सरफेस पे, ये वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा. तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये टायर की वजह से देखो कहाँ जाना चाह रहा है, पीछे को. ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है तो देखो पीछे जा रहा है, ठीक है? तो अब पीछे जा रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? अगर यहाँ पे फोर्स पीछे लग रही है, ये पीछे जाना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन इसको किधर ले जाना चाहेगा, आगे. तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगती है, आगे. तो क्या होता है, ये किधर मूव करता है, आगे. दैट इज व्हाई वी यूज व्हील्स इन स्केटिंग एंड इन लाइक बहुत जगह हम लोग व्हील्स यूज करते हैं, इवन इन हैवी मशीनरी. तो रोलिंग फ्रिक्शन इसकी वजह से आता है, नॉट स्लाइडिंग फ्रिक्शन. तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, हमें हेल्प करता है एक्चुअली में. तो दैट इज हाउ व्हील्स हेल्प अस विद फ्रिक्शन, एंड आई हैव गिवन यू सम अदर एग्जांपल्स. सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट फ्रिक्शन, कैसे ओरिजिनेट हुआ, कहां से चीजें आई, कैसे फ्रिक्शन हमें हेल्प करता है, रियल लाइफ में कहां कहां पे फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होती है. सो लेट मी रिमाइंड यू क्विकली. सबसे पहले ये 1643 में इन्वेंट हुआ था बाय, व्हाट वाज द नेम, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, आई गेस इट वाज, लेट्स जस्ट सी क्या नाम था, लियोनार्डो डा विंसी. इन 1493 इट वाज इन्वेंटेड बाय लियोनार्डो डा विंसी. एंड देन तब लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स थे वो कहीं ना कहीं खो गए. देन
गुलियामे एमोंडोन्स ने इसको 1699 में दोबारा डिस्कवर किया एंड इस बार प्रॉपर ड्राफ्ट के साथ ये रखे गए एंड इसका नाम रखा गया थ्री लॉज ऑफ ड्राई फ्रिक्शन। तो ये चीजें पूरी प्रिजर्व करके रखी गई जिसमें कि इसको यूज कर सके हम आगे आने वाली स्टडी। ठीक है, अभी देखते हैं हम फ्रिक्शन का कॉज क्या था, फ्रिक्शन का रूट कॉज क्या होता है। फ्रिक्शन का रूट कॉज होता है इरेगुलरिटीज, जो सरफेस होते हैं उन सरफेसेस के बीच में इरेगुलरिटीज जो कि यहां पे है। ठीक है, तो इन सरफेसेस के बीच की इरेगुलरिटीज होती है, आपस में इंटरलॉक हो जाती है। अब इस इंटरलॉक को तोड़ने के लिए जो फोर्स चाहिए होती है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ठीक है, नाउ दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल। अगर आप हाथ रब करोगे देन थोड़ी देर बाद आपको हीट एनर्जी हीट का सेंसेशन फील होगा, दैट इज बिकॉज ऑफ एनर्जी लॉस ड्यू टू हीट एंड ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, अभी ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। आप अपना हाथ ऐसे पुश जब करोगे किसी भी सरफेस के अगेंस्ट तो आप इस सरफेस पे आप देखोगे फील होगा कि ये बैकवर्ड्स पुल हो रहा है। तो अब अगर बैकवर्ड्स पुल हो रहा है दैट मींस डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या है, इट इज अपोजिंग द मोशन। ठीक है, तो वी कैन से फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज। ये हमेशा याद रखना, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेज रिलेटिव मोशन ऑफ टू बॉडीज। ठीक है, नाउ फ्रिक्शन व्हाई डू वी कॉल इट नेसेसरी डेविल या नेसेसरी एविल। वी कॉल इट नेसेसरी एविल और द डेविल बिकॉज समटाइम्स इट हेल्प्स अस एंड समटाइम्स इट मेक्स थिंग्स इजी। कभी कभार होता है कि ये हम लोग को दिक्कत करता है। दिक्कत कब करता है, जब मान लो आप कोई बॉक्स वगैरह पुश कर रहे हो तो फ्रिक्शन अपोजिट साइड में लगेगा तो आपको क्या होगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। बट इन रियल लाइफ इट यूजेस लाइक इट हेल्प्स अस इन वॉकिंग, इट हेल्प्स अस इन मैच स्टिक्स टू इग्नाइट मैच स्टिक्स जैसा कि मैंने आपको दिखाया। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रोलर स्केटिंग और इन आइस स्केटिंग एज वेल। तो इन सब चीजों में फ्रिक्शन हमारी मदद भी करता है। ठीक है गाइस, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे आई गेस एंड थैंक यू। आई होप यू ऑल एंजॉयड द वीडियो। कुछ कुछ चीजें थी जो मैंने आपसे कहा कि कमेंट बॉक्स में, इवन इफ यू हैव सीन देख लिया आपने उनका रीजन, बट स्टिल आई वांट यू टू गो एंड राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई नो कि आप लोग जो है बहुत अच्छे से समझ चुके हो ये सारी चीजें। देन विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक्स ऑफ फ्रिक्शन। एंड गाइज जो भी मुझे बिल्कुल सही बिल्कुल अच्छे से कमेंट्स में आंसर देगा आई विल गिव अ शाउट आउट इन द नेक्स्ट वीडियो। आई विल जस्ट गिव द वर्दी मेंशंस टू द बेस्ट कमेंट्स। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई होप यू लाइक इट। सो दैट वाज ऑल, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।